वैसे तो दुनिया में ऐसे बहुत से स्थान हैं जिनके रहस्य से आज तक कोई भी पर्दा नहीं उठा पाया है, लेकिन इस क्रम में सबसे पहले आता है बेहद रहस्यमयी बरमूडा ट्रायंगल। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक लाखों लोगों की जानें ले चुका यह बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर के पश्चिमी एरिया में स्थित है। जा समय फंस कर हर साल न जाने कितने ही लोगों की जान चली जाती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं बरमूडा ट्रायंगल से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बरमूडा ट्रायंगल के चंगुल में फंसे सारे जहाज व प्लेन कहाँ जाते हैं, उनका क्या होता ये कोई नहीं जानता। वैज्ञानिकों की माने तो इसका जिम्मेदार गल्फ स्ट्रीम को ठहराया जाता है, जिसके तेज बहाव के चलते बड़ी से बड़ी वस्तु भी बह जाती है। जानकारी के मुताबिक इस जगह की खोज सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस नाम के शख्स ने की थी। उन्होंने बताया कि अटलांटिक महासागर के पश्चिमी एरिया में एक ऐसी जगह है जहां उनका कंपास काम करना बंद हो गया था। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि उस जगह पर उन्होंने एक आग का गोला गिरते हुए भी देखा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस जगह पर जाने के बाद किसी भी तरह का कोई कंपास काम नहीं करता और परिणामवश अधिकांश लोग रास्ता भटक जाते हैं। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि बरमूडा ट्रायंगल से आज तक केवल इंसान जिंदा लौट पाया है। ब्रूस गेरनो नामक एक शख्स ने अपने प्लेन को 28 मिनट तक एक क्लाउड टनल में उड़ाकर बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से ट्रैवल किया था। उनका कहना था कि कुछ देर बाद उन्होंने खुद को मियामी बीच पर पाया, जो कि बरमूडा ट्रायंगल के नजदीक ही स्थित है। वहीं अगर बात की जाए वहां होने वाले मौतों की, तो हर साल वहां करीब 20 जहाज और 4 प्लेन गायब हो जाते हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक इसकी कोई बाउंड्री या सीमा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ निश्चित दायरे के बाद कोई घटना नहीं घटेगी, बल्कि इस एरिया के आसपास भी कई सारी घटनाएं घटी है जिनसे आज तक कोई जिंदा नहीं बच पाया है। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि बरमूडा ट्रायंगल करीब 500,000 सेकंड लेकर 15,10,000 किलोमीटर में फैली हुई है, जो कि अपने आप में ही एक भयानक मंजर है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह खबर अच्छी लगे तो कमेंट करके बताएं और लाइक और शेयर जरूर कीजिए।